भाई साहब, कैसी लग रही हो? वही लड़की गजब लग रही है। हाय एवरीवन, समर्स में ना स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन की केयर करना। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आप लोग से शेयर करूँ। आप लोग अक्सर पूछा करते जीजा अपनी स्किन केयर रूटीन भी बताओ, तो मैंने सोचा आज शेयर कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ का एलोवेरा फेस वॉश और इससे अपने फेस को अच्छे से वॉश करती हूँ। इसके बाद मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ का एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर, जिसमें एलोवेरा और अश्वगंधा, एलोवेरा हमारी स्किन को सूद करता है और किसी भी तरह की स्किन इरिटेशन से बचाता है, साथ ही इसमें अश्वगंधा जो कि एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये दोनों ही मिलकर हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं। ये आपको बहुत ही लाइट वेट लगेगा क्योंकि ये जेल फॉर्म में है। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है जो कि सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है। जब भी आप इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो ये एक पेड़ लगाते हैं जिसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है जिसे स्किन में ना बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जरूर चेकआउट कीजिएगा। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज फाइनली वो डे आ गया जब मैं अपना हेयर कलर या हेयर कट कराने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और हेयर कलर का भी मेरा प्लान है, बट मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। अगर टाइम लगेगा तो हेयर कलर नहीं कराऊंगी पर हेयर कट तो जरूर करा के आऊंगी। तो आज आपको मेरा नया लुक देखने को मिलेगा। और अभी मैं लेट हो गई तो फटाफट चलते हैं। सो फाइनली मैंने भी कटवा लिया। हाँ, आज इन्होंने भी हेयर कट करा है, ऐसे पता चल रहा है। बाहर निकल के दिखाऊंगी और अच्छे लग रहे, स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे इनकी एकदम जीरो जो शेप होती है ना अच्छी लगती है। और वैसे मैं मोटी हो चुकी हूँ, बट वैसे मैं मोटी हो चुकी हूँ, कम हुई हूँ। सही है, मोटी तो कौन है। थैंक यू, जबरदस्ती मोटी हूँ। मेरे दिल को चैन मिला। नहीं, मुझे सब पर्सनली लगता है, इसलिए मैं इस पे काम भी कर रही हूँ अपने वेट लॉस पे। बट खैर वो छोड़ो, मुद्दा ये है कि मैं अपने फाइनली अपने हेयर्स का कुछ कराने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी के बाद से, प्रेगनेंसी क्यों, जब प्रेगनेंसी लगी थी मेरी तब कराए थे ना अपन ने, राहुल भी ऐसे कराए थे। इनके जो फ्रेंड है मैंने बताया था उनसे कराए थे, आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा था। बट अभी वो यहाँ जयपुर में नहीं है, बट अभी उन्हीं से ही कराती हूँ, तो इसलिए हम पार्लर जा रहे हैं। मैं इनको कह रही हूँ क्या आपको पता है मैंने मेरे बाल ना कंघी भी नहीं करे, मैं नहाई फटाफट रेडी हुई और आ गई। क्योंकि वो हेड वॉश भी करते हैं, मेरे बाल को ना धोए काफी, मतलब पांच नहीं 6-7 दिन हो गए शायद, क्योंकि बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता है यार, नहाना भी ऐसे फटाफट पड़ता है। तो मैंने सोचा अब जा ही रही हूँ, हेड वॉश तो वैसे भी करेंगे तो वही करा लेंगे। इनको नींद आ रही है। चोको भाई, बढ़िया बाल कटाओ। कटाना भी चाहे जब उनका ही बात है। वैसे हमारी मम्मी इसके पक्ष में नहीं है। घुटनों तक का बाल रखना, रखूंगा अलग बात है। नहीं, अब आज 7-7 दिन हम तो पहली बात ना हुए। अरे ओ, जैसे और मातो ना हुए, मतलब खैबा को मतलब वो है 7-7 दिन हम तो मातो ना हुए। अब इतना लंबा लंबा बाल हुए तो पूरा घर का मानो शिडान फैल जाए। तो मैंने कहा तू अपना चौटाई करा ले, कोई ठीक है। ओके, तो मतलब मम्मी को ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि भाई वो छोड़ो, जाते दो मुझे पसंद है वो काफी। जा रहे हैं, शेड कार्ड दिखाया था तो ये वाला मैं कलर करा रही हूँ, है ना, ये ना। तो अभी ये तो गए घर पे और मेरे ऑलमोस्ट शायद 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, अभी 5:30 बज रहे हैं। तो मैं इन्हें कॉल कर दूंगी जब मेरा हो जाएगा, कभी लेने आ जाऊंगी। लेट्स सी कैसा होता है, होपफुली अच्छा हो। मैं फर्स्ट टाइम हेयर कलर करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। होता है ना फर्स्ट टाइम है, बट अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। वैसे मैंने बहुत सुना है, मतलब जहाँ मैं आई हूँ ना पार्लर में, मतलब जिन भैया से करा रहे हैं वो बहुत बेस्ट है। तो लेट्स सी कैसा होता है। और अभी मेरे बालों की हालत ना इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, मतलब आप लोग हमेशा कहते हो आपके बाल इतने अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बट सीरियसली आफ्टर डिलीवरी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया, बट कुछ केयर भी नहीं करती है। बच्चों के चक्कर में ना बहुत बुरा हाल हो रखा है, तो बहुत ज़रूरी है कि मेरे बालों को थोड़ा पैम्पर किया जाए। सबसे पहले यहाँ मेरा हो रहा है हेयर वॉश। आपको पता है मैं घर से हेयर वॉश करके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर भी मेरा हेयर वॉश होगा इसीलिए। और उसके बाद यहाँ हो रहा है ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई के बाद अब होगा मेरा हेयर कट। मेरा हेयर कट तो हो चुका है, मैंने सिंपल हेयर कट लिया है, इतने हेयर्स हो गए, अब इसमें कलर होगा। तो
अब हो रहा है हेयर कलर। हेयर कलर में मैंने सिर्फ हाइलाइट्स कराए, बहुत सारे हाइलाइट कराए, एक ग्लोबल भी होता है, मैंने ग्लोबल नहीं कराया। ग्लोबल मीन्स जिसमें हम पूरे हेयर्स को ही कलर कराते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है संजीव भैया जो यहाँ के बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट है इस सलून के जहाँ से मैंने कराया, तो ये इनकी सर्विस बेस्ट होती है। बैठे बैठे मैं थक गई, मतलब हम यहाँ शायद 5:30 बजे आए थे, अभी 7:30 हो रहे हैं, ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं, अभी शायद 40-45 मिनट्स लगेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज जाएंगे। और मतलब ऐसा लग रहा है बैठे बैठे मैं जम गई हूँ लिटरली। मैं आ गई हूँ बाहर, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बता नहीं सकती। अब देखो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ को नहीं, बट मेरा मानना है कि हमें वो करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे। और संजू बना शायद जस्ट आने ही वाले, मैंने कॉल कर दिया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो मैंने ना मुझे बताया कि जो मैंने एक तो मैंने हेयर कट कराया ठीक है, और हाईलाइटिंग कराई है। कहाँ से कराई है? मैंने कराई है ये वैशाली में है, स्टाइल एंड सीजर्स, संजीव भैया उनसे कराई है। संजीव ना आ गए, हेलो। ओ भाई साहब, कैसी लग रही हो? ओए लड़की गजब लग रही है। ऐसा लग रही है जैसे कोई 70s के पिक्चरों की हीरोइन से डायरेक्ट आ गई 2021 की हीरोइन। सेलिब्रिटी नहीं लग रही मैं? वाह एक नंबर ला गई भाई, चरी आजा फटाफट। ओ लड़की हाँ तो कैसी लग रही हो? मन लग रही है, ऐसा लग रहा है ना नई नई शादी हुई है। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मस्त भाई, मस्त लग रहे बाल तेरे, है ना? कलर भी ऐसा, मतलब ऐसा ज्यादा ओवर भी नहीं लग रहा और मस्त किया है। मस्त लग। अब मम्मी को कैसा लगेगा पता नहीं। वैसे मुझे पता है मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ और मेरी जो खुद की मम्मी है वो भी, ये दोनों ही विपक्ष में इन चीजों के। चाहे सास हो चाहे खुद की माँ हो, मतलब इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप अपने बालों से कुछ एक्सपेरिमेंट करो, बट इट्स ओके चलता है। वही करना चाहिए आपको अच्छा लगे। मुझे एक नंबर तेरी ड्रेस पे सूट कर रही है हेयर स्टाइल। कलर दिखा पीछे से, देख दिखा तो क्यों मैं वीडियो में। मस्त है, मस्त लग रही है भाई। एक नंबर कैसी लग रही है मम्मा? एक महीना हो गई ना पीछे पड़ता है, हमारा बाल रंगा शू, हमारा बाल रंगा शू। मैंने कहा गोदरेज हेयर डाई जाती 10 रुपया की, बाकी 20 रुपया की आ गई वाली, और पोतले थी। अब हाँ मुद्दा की बात पर आ रही हूँ। अब रुपया का ताला लगा रही, अब बता। वो पर्सनल है, प्राइवेट है। नहीं नहीं भाई प्राइवेट की कोनी, जब आप ब्लॉग बनाओ ना इतना आपकी जिंदगी की माने प्राइवेट लाइफ की कोनी, सब पब्लिक हो जाए। अब रुपया बता कब तक गया, पता 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 नहीं बताऊंगी मैं। रीपिया बता, रीपिया बता, रीपिया सीक्रेट है ये मैं किसी पर। रिद्धु तू भी अपनी मम्मा की तरह बाल रंगवा ले। अब लग रही हूं कि मैं 2 बच्चों की माँ हूं। वो तो मैं हुई। रिद्धु को भी करवा देगा? रिद्धु, रिद्धु जब बड़ी होगी जैसा उसको करना होगा सब करेगी वो। है रिद्धु? हां मेरे पर गंजू के तो सर पे बाल ही नहीं है। आ जाएंगे अभी नहीं है तो क्या हमेशा ही ऐसी रहेगी क्या? है ना रिद्धु, ये लो। गेस वॉट, अभी मैं नहा के आई हूँ। आप लोग सोचोगे क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी देखा था मैंने रिद्धि को गोद में ले रखा था। हमारी रिद्धि साहिबा ने जैसे मैंने गोदी में लिया ना, आप लोगों से बात करके बस हटी थी एकदम से, घड़ घड़ घड़, मतलब जितना इसने दूध पी रखा था ना सारा बॉटल, जो मतलब जितना दूध पिया था ना सारा इसने घड़ घड़ निकाल दिया। पूरी मेरी ड्रेस हो गई, आधे बाल हो गए। वो तो कोई बात नहीं ठीक है, इससे बढ़कर नहीं है। बट ये कि ये कुछ भी खा रही है ना 2 दिन से इस तरीके से उल्टी करी, मुंह देखो इतना सा हो गया इसका। नज़र वगैरह भी उतार दिया, आप लोग कह रहे थे कि नज़र उतारना, शायद थोड़ा पेट खराब हो रहा है, सही होगा इसलिए मुझे हेड वॉश करने पड़े। बट सही हो बोलता है ना जब।
बाल कटवा के आता, जैसे बोलते हैं एक बार सर धो लेना चाहिए, तो मेरी बेटी ने सर धुलवा दिया मेरा, मेरी चिन्ना ने। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पर मुझे भी अच्छा लग रहा थोड़ा ना के, क्योंकि वैसे भी 8:30 हो गए। और ये रहा मेरा रुद्रुडॉन। ओले यार, ये बच्चा इतना शैतान कैसे। और ये रही मेरी रिद्धा, मेरी रिद्धू का मुंह इतना अच्छा हो गया। हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगी, मैं इसको डाइजेशन की दवाई पिला दूंगी, सही हो जाएगी। मैं बेटी को उती उती हो गई क्या, उल्टी उल्टी हो गई। क्या कर रहा है मेरा नंगू बेटा? ए हमारी रिद्धू को मेरी चांद को फेंक दिया तूने उठा के नीचे, क्या हुआ? अच्छा क्यों गुच्छा हो रहा मेरे ऊपर, मैंने क्या कर दिया था? अच्छा ओ क्यों भाई इतना क्यों नाराज हो रहा है? अच्छा भाई ठीक है, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए हम आपकी बात को। और ये मैडम आज इतना खुशी खुशी होके आई थी, एक मिनट नहीं रह पाए बाल है। मैं भूल गई थी कि मेरे दो प्यारे प्यारे, ये देखिए हाथ मार रही, मैं भूल गई थी कि मेरे दो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने रुद्र रिद्धि है, टिंगू और मिंगू है। अब मैं हैंड वॉश करके आई थी, अब इसको सुखा रही, बालों को ना ठंड लग जाएगी रात का टाइम है। इसको इतना हुआ है, देखो देखो, फोन लेने के लिए मेरे को नोच रहा है। इसके नाखून इतने बड़े हो गए ना, मुझे काटने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, काटने काटने। नहीं दूंगी। क्या हुआ? अच्छा क्यों गुस्सा हो रहा मेरे ऊपर, मैंने क्या कर दिया था? अच्छा